फ्रेंड्स, मैंने कैंपिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स मंगाए हैं, थोड़े गियर्स हैं, कुछ सामान है जो कैंपिंग वगैरह या आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए काम आते हैं। इसका मैं आपको एक एक करके अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। कुछ 13-14 पैकेट हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि पहले पैकेट में क्या आया है। सिक्योरिटी फर्स्ट, पहला पैकेट ही हमारा सिक्योरिटी गियर है। पेपर स्प्रे है, जब कभी आप कहीं किसी वाइल्ड एरिया में जाते हैं तो अपने पास रखना चाहिए ये चीज़ें। कभी भी कोई जंगली जानवर, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है पेपर स्प्रे। 380 रुपीज़, 799 का इसका MRP लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस 380 है। ये अमेज़न से मंगाया मैंने। दो क्वांटिटी मंगाई है मैंने इसकी, दो के ही इसमें था एक है शायद। OC इरिटेंट पे सेल्फ डिफेंस पेपर स्प्रे, ये पेपर स्प्रे होता है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए कभी आप बाहर रहते हैं तो ये आपके पास होना मस्ट है सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप कैंपिंग वैम्पिंग करते तो आइसोलेट जगह पे होते हैं जहाँ कुछ जानवर या कुछ अनवांटेड पीपल आ सकते हैं जो जिनसे आप सेफ रहना चाहेंगे। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, पेपर स्प्रे। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या प्रोडक्ट आया है हमारे पास। ये दूसरा पैकेट आया आपके पास, देखते हैं इसमें क्या है। पोर्टेबल कार टाइप स्टोव, अच्छा ये स्टोव मंगाया था। ये कैंपिंग के लिए स्टोव रहता है ऐसा, इसमें एक ब्यूटेन का कनिस्टर आता है वो लगा देते हैं, वो भी मंगा रखा, वो भी दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ऐसे पाउच में आता है, कैरी करने में इजी रहता है। ये इसका इंस्ट्रक्शन है, पाउच है इसका। इसके फ्लैप्स ऐसे करके खुल जाते हैं। कैंपिंग के लिए आपको जो इक्विपमेंट चीज़ें चाहिए होते हैं वो पोर्टेबल ही चाहिए होते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप ले जा नहीं सकते, ज़्यादा हैवी चीज़ें कैरी नहीं कर सकते, तो वहाँ ऐसी चीज़ें बहुत यूज़फुल रहती हैं आउटडोर्स के लिए। यहाँ पे एक ब्यूटेन का कैनिस्टर आता है, वो फिक्स कर देते हैं। ये इसका यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब इसको ऑन करें तो हमेशा ध्यान रखें कि क्या कहते हैं, ये ज़ीरो पे हो, मतलब लो पे हो, बहुत लो पे हो, हल्की सी आवाज़ आए, वरना ये एकदम बाउंस करके क्या कहते हैं आग फेंकता है।
तो ये अपना पोर्टेबल, शायद ये 699 समथिंग का है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको खरीद सकते हैं। मिनी गैस रेंज, मॉडल नंबर K2022, LPG ब्यूटेन। ये हमारा मिनी वो है। इसके साथ का जो कैनिस्टर ब्यूटेन का आता है, वो आता है आपका कुछ 600 कुछ का समथिंग का, 4 का पैकेट मैंने मंगाया, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। हंस कंपनी का आता है, ये होता है वो कैनिस्टर, हंस कंपनी का है। इसको इसके यहाँ पे लगा देते हैं, चार का पैकेज शायद 650 या 600 कुछ समथिंग का ना, 600। ये इसका ढक्कन निकाल के इस पर फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। ये अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ कैसे कैसे के फिक्स करते हैं, क्योंकि अभी तो ये हो गया हमारा एक दो। इसी के साथ रहता है, जब भी खाना बनाना हो तो ये मेरे ख्याल से 2 घंटे लगातार चल जाता है एक कनेक्टर, 2 घंटे तक आप तो इसको यूज़ करते वक्त हमेशा प्रिकॉशंस लें, कभी कभी ये लीक हो जाता है। ये ढक्कन निकाल के इसको यहाँ ऐसे करके फिक्स कर देते हैं, ये आपको इससे मैच करना होता है। यूज़ करने के बाद इसको वापस लगा दें, तो ये अपना ये दो हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या है। नेक्स्ट आया हमारे पास ये पैकेट है, अच्छा ये ट्राइपॉड का माउंट है शायद, ट्राइपॉड का माउंट है। ट्राइपॉड पे लगा के इसमें आप क्या कहते हैं अपना ऑडियो का और लाइट का वो फिक्सिंग कर सकते हैं, कोल्ड शू कहते हैं इसको वैसे। यहाँ पे आपने अपना माइक का वो लगा दिया, ये इधर से जो आपका गिम्बल वगैरह होता है, गिम्बल मेरे पास एक गिम्बल है ज़ियोन का, उसके नीचे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास जून का गिम्बल है, इसके नीचे यहाँ इसके ऊपर ये ऐसे लगा दिया इसके नीचे, गिम्बल में क्या कहते हैं मोबाइल लगाते हैं तो उसके नीचे यहाँ पे कहीं माउंट करने के लिए देता तो अलग से मंगाना पड़ता है। तो बोलते हैं ट्रिपल हॉट शू माउंट, ये कुछ 550 के आसपास का पड़ा है। ऐसे करके आप इसको यहाँ पे अपना लाइट भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये ऐसे काम आता है, इजी रहता है।
इसको हटा भी सकते हैं, लूज़ भी कर सकते हैं, कुछ और लगाना इसके यहाँ पे। तो ट्रिपल कोल्ड शू कहते हैं इसको, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अमेज़न से ले सकते हैं, बहुत यूज़फुल रहता है। यह है हमारा अगला प्रोडक्ट, ट्रिपल शू माउंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्रोडक्ट। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें अच्छा LED ग्लो लाइट है, 560 समथिंग की पड़ी है ये लाइट, तो आपको पता ही है बाहर जब कैंपिंग वगैरह कुछ करते हैं तो लाइट इज मस्ट। LED तो पिजन कंपनी की है, रिचार्जेबल रहेगी क्योंकि रिचार्जेबल चाहिए होता है आपको। इसमें टॉर्च का फंक्शन भी है। लैंटर्न कम टॉर्च है, डबल यूज किया जाती है, टॉर्च है यहाँ से लाइट है। सी टेप बिफोर यूज़, टॉर्च यूज़ हो गया आपका। नीचे को ऊपर को किया तो टॉर्च, नीचे को किया तो लाइट। कैंपिंग के लिए लाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बीच में कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। कुछ 560 समथिंग की है, इसका वारंटी कार्ड है, डीजल का है, चार्जिंग पॉइंट है इसका, ये सीधा प्लग कर दिया। तो ये अपना लाइटिंग ट्यूबिंग, हाई क्वालिटी एनर्जी सेविंग फंक्शन, वर्क्स अप टू 5 आवर्स तक ये करती है बोलते हैं, पर होता होगा 4 घंटे तो दे देगी। ओवर चार्ज एंड डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, LED चार्जिंग इंडिकेटर, ये अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट हो गया। ये हो गया अपना लाइटिंग वाला, इसको भी साइड रख देते हैं, देखते हैं इस पैकेट में क्या है। यंत्रालय, अच्छा ये कहते हैं ट्राईपॉड माउंट होगा शायद, ये ट्राईपॉड माउंट है, ट्राईपॉड के लिए मंगाया था मैंने। इसमें मोबाइल लग जाता है, इसको लूज करके
इतना बड़ा आप कुछ पेंटिंग ऐसे कर लीजिए, ऐसे लगा लीजिए फोन को अपने। हमारे ट्राइपॉड होते हैं उन पर, इसमें एक फंक्शन था कि इसके साथ कोल्ड शू मिल रहा है, यहाँ पे अपना माइक वाइक सब लगा सकते हैं। यहाँ से माउंट कर दिया अपने ट्राइपॉड पे, मेरे पास था नहीं तो मैंने इसलिए मंगाया, कुछ 466 का है। हमारे पास क्या है देखते हैं। अच्छा, वाटर बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं ये, ईजी टू कैरी होती है। इसमें पानी भर लिया, पानी भर के कहते हैं पानी ज़रूरत होती है कैंपिंग के लिए, पानी भर के 5 लीटर का एक है ये। ऐसे 3 मंगाए, इसमें अपना पानी भर लिया, कुछ भी खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, कहीं से भर के अपना कैरी करके रखो। पानी बहुत ज़रूरत होती पड़ती है कैंपिंग में, लीकेज प्रूफ होता है तो कैंपिंग के काम आता है। यहाँ से इसको खोल दिया, यहाँ ढक्कन लगाया, कैरी कर गया इजीली। ये 3 पीस का सेट है, ये 499 का था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। ये है मेरे ख्याल से, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ ये होना चाहिए पावर बैंक। पावर बैंक है अपना, अर्बन पावर का मंगाया था मैंने ये। $1,079 का ये पड़ा था। ये 20,000 mAh का है, 18 W को एक चार्ज है, टाइप सी आउटपुट, 18 W 2-way फास्ट चार्ज, 12-layer सर्किट प्रोटेक्शन, टाइप सी केबल इंक्लूडेड, 1 ईयर की वारंटी है, 1 ईयर वारंटी 18 W का है। तो जब आप बाहर जाते हैं तो आपको चार्जिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये लाइट जलाने के लिए, उन चीज़ों के लिए बहुत काम आता है। ये इसकी केबल, ये है अपना चार्जर, इसमें 2 पोर्ट हैं, 2 चीज़ें इजीली आप चार्ज कर सकते हैं एक साथ। इसका चार्जिंग पॉइंट, इसका मैनुअल है, 1,079 कुछ का पड़ा है मेरे पे।
इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अर्बन कंपनी का 20,000 mAh विद टाइप सी केबल। राइट इंडिकेटर है इसका यहाँ पे। ये हो गया अपना चार्जर, बैटरी पावर बैंक, ये अपना 20,000 mAh का पावर, लाइट वाइट चलाने के लिए सबके काम आता है, जब फोन तो चार्ज करता ही करता है। व्हाट नेक्स्ट, ये हमारा अगला आइटम, देखते हैं इसमें क्या है। यही मैं आपको बता रहा था, लाइटिंग वाइटिंग की होता है। ये USB वाले चार्ज हैं, ये इस पे लगा के, जब ही बता रहा था इस पे लगा के लाइट चला सकते हैं आप। दिखाता हूँ मैं आपको, कैंपिंग में रात को लाइटें जरूर चाहिए होती है। ऐसे करके लगा दिया, ये बल्ब अपने काम आते हैं बड़े। एक मंगाया हमने ये ओसाका कंपनी का लाइट वेट ट्राईपॉड, ये मोबाइल कैमरा सबके लिए यूज़ हो सकता है। इसके साथ ये माउंट आता है मोबाइल के साथ, स्मार्टफोन, एक्शन कैम, कैमरा, आईपैड, किसी के साथ भी ये यूज़ किया जा सकता है। तो ये दिखाते हैं आपको, ये इसका कैरी केस है। ओसाका OS 550, इसका वो है यहाँ पे, इसका ये यहाँ पे लग जाता है ऐसे करके, यहाँ फिक्स कर दिया, और अपना मोबाइल वोबाइल लगा के शूटिंग कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, कहीं करके आपको वीडियो बनानी है तो एक्सटेंड कर दिया, बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, यहाँ से इसके ये पैर एक्सटेंड हो जाते हैं ऐसे करके, तो आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये हो गया आपका ट्राइपॉड स्टैंड। ऐसे करके लॉक कर दिया जाता है इसको, जितनी भी आपको हाइट चाहिए उतने पे लॉक कर दिया। तो ये है हमारा, इसके साथ मैंने जो ये मंगाया था, ये इसीलिए मंगाया था कि इसके साथ शूज़ का ऑप्शन नहीं आता है। इसको लगा दिया यहाँ पे, आपने अपना माइक वाइक लगा दिया, इसको एक से फिट करके। तो ये इसलिए एक्स्ट्रा मंगाया था मैंने, क्योंकि इनमें क्या कहते हैं, माउंट करने के लिए लाइट या माइक ये नहीं होता है, कोल्ड शू बोलते हैं इसको, तो ये नहीं होता है। तो ये पड़ा है हमें कुछ 750 रुपये का, 750 रुपये का ये है अपना ट्राइपॉड स्टैंड। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी बहुत,
तो ये है अपना ट्राइपॉड स्टैंड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है मेरे को जहाँ तक लग रहा है एक मैंने बारबेक्यू मंगाया था कैंपिंग में खाने पीने का मज़ा लेने के लिए। ओहो नहीं 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 ये चेयर्स हैं। कैंपिंग में जब जाते हैं तो आपके ये चेयर यूज़ होती है। ये चेयर मंगाई है, कभी आप बैठ के कुछ खाना वाना बनाना है तो ये चेयर ऐसे करके ही खुल जाती है। दिखाने का ऐसे खुल जाती है, ऐसे करके आप इसमें बैठ सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं। कैमरे की वजह से पूरा नहीं खोल खोल के दिखा रहा, पर ऐसे करके ऐसे फोल्ड करके रख लिया इसको। तो ये चेयर है अपनी, दो दो का सेट है ये। सात सौ के आसपास था मेरे ख्याल रेट, अभी मुझे याद नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में दिखा दूँगा, लिंक दे दूँगा। देखते अपना नेक्स्ट आइटम क्या है। नेक्स्ट आइटम ये वाला बारबेक्यू होगा। तो ये अपना बारबेक्यू है शायद। कैंपिंग जाते तो खाना इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, कुछ मज़े करने के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा खाना, कुछ बारबेक्यू जैसे पनीर वेज है तो पनीर बना लिया, पनीर टिक्का वगैरह, चाप वगैरह, इजी टू कैरी है। इसका ग्रिल है, इसमें अपना चारकोल डाल के आग लगा लिया। इसके फोल्डेबल पैर होते हैं, खुल जाते हैं, ऐसे करके खोल दिया। नीचे चारकोल रख के ऐसे रख के इस पर अपना कुछ भी बना सकते हैं, आपके कहते हैं। ये देखिए इस पर अपना कुछ भी, पनीर टिक्का कुछ भी बना सकते हैं आप। हाँ इसका ये लगा दिया और आप इसको कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये थे आज हमारे, आज का हमारा कैंपिंग गियर्स। अभी कुछ और गियर्स मंगाने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा कैंपिंग गियर के बारे में। कैंपिंग के वीडियोस तो बाद में आएंगे आएंगे। थैंक यू एवरीवन।